आयुर्वेद समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर धीरेंद्र ओरल इंटरनेशनल क्लिनिक से। अभी मैं आपको बहरेपन के क्या क्या कॉजेज है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहरापन आज के टाइम में बहुत कॉमन समस्या है, बहुत जनरलाइज समस्या है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, कितने टाइप की बहरापन हो सकता है? एक बहरापन होता है जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरल, एक बहरापन होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टिव, और एक बहरापन होता है मिक्स्ड। सेंसरी न्यूरल बहरापन जो होता है वो परमानेंट टाइप का बहरापन होता है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। और ये बहरापन का कारण नसों में या हेयर सेल्स जो हमारे इनर ईयर में होते हैं उसकी प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट, परमानेंट प्रॉब्लम होती है, इसको आप किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। दूसरे तरीके का जो बहरापन होता है उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। ये या तो पर्दे में प्रॉब्लम की वजह से या पर्दे के पीछे जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उसमें प्रॉब्लम की वजह से होता है। और ये करेक्टेबल है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, जिससे आदमी का जो पेशेंट है उसका हियरिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और मिक्स्ड हियरिंग लॉस में इन दोनों का कंबाइंड होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का और कंडक्टिव हियरिंग लॉस का। इसको आप पार्शियली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे क्या क्या कारण हैं इस हियरिंग लॉस के? तो सबसे पहले जो कारण है वो होता है नॉइज एक्सपोजर। अगर आप बहुत लंबे समय तक नॉइज को एक्सपोज्ड हो रहे हैं, नॉइज से एक्सपोज्ड हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी लॉस को करता है और ये रिपेयरेबल नहीं है। इसका एक बार अगर प्रॉब्लम आई तो रिपेयर नहीं हो सकता। दूसरे टाइप का जो हियरिंग लॉस होता है जिसको बोलते हैं एजिंग, ये फिजियोलॉजिकल हियरिंग लॉस है। ये हर किसी पेशेंट में मिलता है, एज के साथ साथ इसमें होता रहता है हियरिंग लॉस, इसको भी आप करेक्ट नहीं कर सकते। तीसरे टाइप का हियरिंग लॉस होता है जिसको बोलते हैं कि ऑटोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिसिटी। कभी कभी क्या होता है, हम ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स ले लेते हैं जो कि ईयर के लिए हार्मफुल होती हैं, जो कि ईयर के नर्व्स को डैमेज कर देती हैं। इस तरीके का हियरिंग लॉस भी इनरिपेयरेबल रहता है, ये रिपेयर नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, ट्रॉमा की वजह से भी, जैसे ट्रॉमा कान में, ईयर में ट्रॉमा हुआ, इससे नर्व भी डैमेज हो जाती है, कभी कभी पर्दा भी डैमेज हो जाता है और बोन्स भी डैमेज हो जाती है। तो जो नर्व्स डैमेज होती है उसका फिर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, बट अगर पर्दा और बोन्स डैमेज हुई हैं तो सर्जरी के थ्रू इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी जेनेटिक भी होता है, हियरिंग लॉस जेनेटिक भी होता है। अगर किसी फैमिली में ये हियरिंग लॉस रन कर रहा है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनमें भी हियरिंग लॉस आने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बच्चों में मम्स हो जाता है, तो मम्स की वजह से नर्व्स वीकनेस आ जाती है और उस कंडीशन में हमारे को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मिलता है। कभी कभी कोई डिसीजेज होती हैं इनर ईयर से रिलेटेड डिसीजेज, जैसे लेब्रिनथाइटिस है या मीनियस डिसीज है, इसमें भी नर्व का वीकनेस देखने को मिलता है। कभी कभी ब्रेन में ट्यूमर्स हो जाता है, सीपी एंगल पे ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर की वजह से भी वीकनेस देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी कॉजेज हैं जिसमें कि हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। आज के टाइम में हमारे पास सब कुछ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशेंट बिना हियरिंग के नहीं रह सकता। वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वी हैव अ लॉट ऑफ तरीके हैं जिससे कि हम हर पेशेंट को हियरिंग दे सकते हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अगर बच्चों में है, अभी मैं बच्चों में डिस्कस करूंगा कि बच्चों में हियरिंग लॉस के क्या कारण होते हैं। बच्चों में हियरिंग लॉस का कारण होता है अगर बच्चा बाय बर्थ जेनेटिक कॉज होता है, जिसमें बच्चा जो है बचपन से ही सुनता नहीं है। अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन अगर हुआ है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हुआ है, उसके कान में फ्लूड आ गया है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में हियरिंग लॉस मिलता है। बच्चों में हियरिंग लॉस का एक अपना सिग्निफिकेंस है, एक अपना इम्पोर्टेंस है, बिकॉज बच्चों में अगर हियरिंग लॉस होता है तो उनकी लर्निंग एबिलिटी भी इफेक्ट होती है, उनकी स्पीच भी इफेक्ट होती है। तो बच्चों में हियरिंग लॉस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे
बच्चों में हियरिंग लॉस के लिए एक, जैसे बच्चे आजकल अगर पैदा होते हैं, बर्थ उनका होता है, तो एक ऑटो एकॉस्टिक कमीशन होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि बच्चे में हियरिंग है कि नहीं है। या बच्चों में एक फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री होती है जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि बच्चों में सुनाई देने की प्रॉब्लम है कि नहीं। बच्चों में अर्ली स्टेज में हियरिंग को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने बचपन में उसके हियरिंग को डिटेक्ट नहीं किया तो उसकी स्पीच और उसकी लर्निंग एबिलिटी अफेक्ट होती है। अगर 5 साल तक हम उस बच्चे को कि अगर हियरिंग लॉस को डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो अगर बाय द वे हम कुछ करें भी, उसके हियरिंग को अगर रिस्टोर भी कर दें, तो भी इसके स्पीच, उसकी लैंग्वेज, उसकी नॉर्मल नहीं हो सकती। तो ये ज़रूरी है। अब बाय द वे अगर बच्चा बहरा है, बचपन से बहरा है, और वो अगर बच्चे बचपन से बहरा है तो वो बोल भी नहीं पाएगा, ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट हम 5 साल के अंदर कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, आज हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम 5 साल के जो नीचे बच्चे हैं, जो कि गूंगे और बहरे हैं, उनको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वो बच्चे अपने आगे की लाइफ में सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं कॉकलियर इम्प्लांट। ये कॉकलियर इम्प्लांट 5 साल से नीचे के बच्चों में हम कर सकते हैं, और इस कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए हम बच्चा जो है वो सुन भी सकता है प्रॉपरली और धीरे धीरे बोल भी सकता है। ये हाईली एडवांस टेक्निक है जो कि आजकल हो रही है, और बहुत से नेशनल डीफनेस प्रिवेंटेबल प्रोग्राम हैं जिसमें कि कॉकलियर इम्प्लांट को इंक्लूड किया गया है। तो ये रही बच्चों में डीफनेस की बात। अब अगर मान लो अडल्ट में डीफनेस है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि उसका कॉज क्या है। अगर कॉज प्रिवेंटेबल है, जैसे मान लो परफोरेशन अगर है पर्दे में या हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, हियरिंग बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। अगर अडल्ट में हियरिंग लॉस है और वो उसको हम हियरिंग एड से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर बाय द वे वो लॉस हियरिंग एड से इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो हम उसको कॉकलियर इम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आज के टाइम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बहरेपन की जिसमें कि हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम हियरिंग लॉस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो नॉइस इंड्यूस अगर हियरिंग लॉस है, तो हम कोशिश करें कि हम लाउड जो साउंड का एक्सपोज़र है उसको कम से कम करें। जो भी कान से डिसीजेज हैं या कान में कोई प्रॉब्लम है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अगर कान में परफोरेशन है, उसको रिपेयर कराएं। हड्डी में प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर कराएं। और अगर मान लो हियरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, जिसको कि किसी ऑपरेशन से करेक्ट नहीं कर सकते, उसमें हियरिंग एड लगाएं। हियरिंग एड काम नहीं कर रहा है, तो सर्जरी के थ्रू हम कॉकलियर इम्प्लांट करें। आज आयुर्वेद समाधान चैनल पे इतना ही। अगली बार किसी नई समस्या के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।